नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए हो जाता है इनकम टैक्स का यहाँ पर मॉडल पेपर रहने वाला है। क्या रहने वाला है भाई, यहाँ पर बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए इनकम टैक्स का मॉडल पेपर रहने वाला। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो बस कितने ही क्वेश्चन, ओनली कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल प्रिपरेशन करने के लिए भी कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, ओनली 10 से 12 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके लिए। कितने, ओनली 10 से 12 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अगर आपने 10 से 12 क्वेश्चन अच्छे प्रकार से पढ़ लिए तो आप 2022 में टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बस इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना। क्या कर लेना भाई, इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना जो मैं क्वेश्चन यहां पर बताने जा रहा हूं, जो अपना मॉडल पेपर रहने वाला है इनकम टैक्स 2022 का। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर किसी को इसका पीडीएफ चाहिए, इसका नहीं, नोट्स का, किसका, नोट्स का, इसके नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कहां मिलेगा भाई, वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। कहां मिलने वाला है, वो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर सकते हो अगर नहीं लिया है तब। अगर आपने बाहर से कोई बुक परचेस की है तो लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप उन पर इनको टिक लगा लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। 10 से 12 क्वेश्चन बहुत ही कम हो जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखो जो आपके एग्जाम में सेम छपने वाला है, वो हो जाता है आयकर। आयकर है क्या, आयकर आप पर लगने वाला कर, इसके बारे में व्याख्या कीजिएगा। बात वही है क्वेश्चन की, इसकी विशेषताएं तथा उसके लक्षण के बारे में बताइएगा। सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपता हुआ दिख रहा है और देखने को मिलने वाला है 2022 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कृषि आय, कृषि आय क्या है, इसके प्रकार, इसके लक्षण तथा कर नियोजन का अर्थ, महत्व और उद्देश्य यहां पर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा छपा हुआ, और जब एग्जाम आए, जब आपका एग्जाम हो, सेंड करना पेपर, दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन यहां पर आपके यहां से 10 से 12 क्वेश्चन में देखने को मिले हैं। ठीक है, आप भी कहोगे कि हां हमने कहीं से पढ़ा था। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा तुम्हारा, कर मुक्त आय क्या होती है, जो कर मुक्त आय है वो है क्या, इसके बारे में बताइएगा। इसके अनुलाभ और मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य का अर्थ और इसके नियम बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मॉडल पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट मॉडल पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, वो हो जाता है ह्रास का अर्थ। ह्रास का अर्थ है क्या, इसके नियम, पूंजी लाभ तथा इसके प्रकार और नियम बता दो। ह्रास क्या है, इसका अर्थ बताओ, नियम बताओ, और पूंजी क्या है, इसके लाभ, प्रकार और नियम बता दो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग डाल डाल कर लिखना, हेडिंग के बगैर थ्योरी मत लिखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा, हानियों की पूर्ति से क्या आस है, हानियों की पूर्ति से क्या आस है, इसके नियम बता दो। खुलकर लिखना, खुलकर एग्जाम में बस एक बार पढ़कर चले जाओगे तो खुलकर लिखोगे, खुलकर, है ना, कंफ्यूज नहीं होगे वहां पर कि ये क्वेश्चन आएंगे, अरे हमने पढ़ रखे हैं कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम खुलकर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विभिन्न आयकर अधिकारी, विभिन्न आयकर अधिकारी के बारे में आपको बताना है, कौन कौन से अधिकारी हो जाते हैं आयकर संबंधित, और इनकी अपील के, यहां अपील की विधियां भी आपको बताना है, अपील की विधियां भी आपको यहां पर बतानी है। सेम क्वेश्चन देखने को छप रहा है, क्वेश्चन छप मतलब ये समझ लो। आगे क्वेश्चन देखो, ये देखा है कर के अग्रिम भुगतान का आशय आपको बताना है, कर के अग्रिम भुगतान की आशय क्या है, इसको बता दो। इसकी विधि और अर्थदंड के संबंध भी आपको यहां पर बताने पड़ेंगे, छपते हुए दिख रहा है मुझे, और आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है 2022 में। जब एग्जाम हो पेपर सेंड करना, बताऊंगा कितने क्वेश्चन देखने को मिले। बस और रह जाते हैं 4 क्वेश्चन, इनको पढ़ लो बल्ले बल्ले। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है मॉडल पेपर का, करदाता की परिभाषा लिखो। करदाता की परिभाषा क्या है, बा संकल कुल आय तथा कुल आय में आपको अंतर बताना है। भाई देखने को मिलेगा सेम क्वेश्चन, संकल कुल आय तथा कुल आय में आपको अंतर भी बताना पड़ेगा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का आपके एग्जाम में छपने वाला है, वो हो जाता है दिखावटी लेन देन क्या होता है। जो दिखावटी लेन देन है वो क्या होता है, चिकित्सा सुविधा पर भी आपको टिप्पणी लिखना है भाई, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो छपने वाला है एग्जाम में, व्यवसाय
पेशा व्यापार का अर्थ आपको बताइएगा, व्यवसाय का अर्थ बताइएगा, पैसे का अर्थ बताइएगा, पेशा और व्यापार का अर्थ बताना है। धारा 80 सी, 80 डी और 80 जी के बारे में खुल के पढ़ के जाना, खुल के और एग्जाम में खुल के लिखना, ठीक है। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मॉडल पेपर का। कितने क्वेश्चन? 9 से 10 क्वेश्चन। मैं 10 से 12 कहा था, 9 से 10 क्वेश्चन है, पढ़ लेना, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बात करते हैं कर कटौती खाता संख्या किसे कहते हैं। जो कर कटौती खाता संख्या मतलब TAN और PAN, स्थाई खाता संख्या, दोनों में अंतर पूछ सकता है, इनके बारे में पूछ सकता है, पढ़ लेना अच्छी प्रकार से। बस इतने ही क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्या कर लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। 9 से 10 क्वेश्चन है बस, कितने हैं, 9 से 10 क्वेश्चन है। अगर इतना पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है भाई। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को तोड़ फोड़ कर देना जो कि नोटिफिकेशन आपके घर पे जाके गिरे, ठीक है भाई। तो जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।